मॉर्निंग व्यूअर्स, माय नेम इज रिज़वान चीमा, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज विल लाहौर स्मार्ट सिटी साइट और इस वक्त मैं C1 रोड पे मौजूद हूँ। C1 रोड है जिसकी कनेक्टिविटी एक साइड से कनेक्टिविटी इसकी मेन रिंग रोड से ईस्टर्न बाईपास से है इस साइड से, और दूसरी साइड से जो कनेक्टिविटी इसकी है आप इसे देखें तो मेन ग्रैंड ट्रंक रोड से है। अब इस रोड पे C1 रोड पे जो डेवलपमेंट काम है, जो इनफैक्ट जो कारपेटिंग काम है वो मुकम्मल हो गया है, और इस वक्त स्ट्रीट की साइड पे जो फुटपाथ का काम है उस पर काम हो रहा है। और इसके अलावा अगर देखें साइड पे इससे जो कनेक्टिविटी निकलती है दूसरी साइड पे ग्रैंड ट्रंक रोड वाली साइड पे, उसकी डेवलपमेंट की अगर बात करें उस रोड की, तो उस रोड को तकरीबन 200 से 300 मीटर तक बनाया गया है। उसके अलावा उस पर डेवलपमेंट अभी नहीं हुई। अब फ्यूचर में जाकर उसकी डेवलपमेंट तब होगी जब लाहौर स्मार्ट सिटी की प्रॉपरली GT रोड से एक्सेस पॉइंट पर काम होगा, जिसका अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ नहीं हुआ। इस वक्त भी साइड पर जो है जो ग्रैंड ट्रंक रोड की दूसरी साइड पर है, एक तरफ GT रोड है और एक तरफ लाहौर स्मार्ट सिटी है, तो दूसरी साइड दोनों दरमियान में जो पैच है लैंड का, उस लैंड पे जो लेवलिंग वाला काम है वो भी साइड पे हो रहा है। इसके अलावा ऐसा सच कोई बड़ा एक्टिविटी आप नहीं देख सकते साइड पे। साइड पे मशीनरी इस वक्त फुल स्विंग में काम कर रही है, और साइड पे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है वो साइड पे बनने वाले विलास प्लस जो मॉस्क पार्क और ओवरहेड वाटर टैंक, ये साइट्स पे इस वक्त जो चीज़ें हैं ये कंस्ट्रक्शन की बड़ी तेज़ी से हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसका पोजेशन सेक्टर 1 का मार्च में दे दिया जाएगा, उसमें जो 10 मरला कनाल के विलाज हैं उनकी भी तब सेलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। फॉर द टाइम बींग उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी मैं सेपरेट वीडियोज़ बाद में पोस्ट कर दूँगा। अब ये जो सबसे पहला पॉइंट बना था लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पर, जब इनफैक्ट साइट पर मशीनरी जब सबसे पहले मूव की थी और साइट पर मैंने पहला विजिट किया था, उस वक्त साइट पर सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये पॉइंट था, यानी इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था पहले, और सबसे पहले इस पॉइंट को कंप्लीट किया गया था। ये साइट थी इनिशियली, इसको कंप्लीट किया गया था, और लेटेस्ट स्टेज पे जाके लाहौर स्मार्ट सिटी की बाकी जो साइट है उस पर डेवलपमेंट आगे प्रोसीड हुई थी। अब यही रोड आगे लीड करता है, एक बेसिकली चौक बन जाता है। इसके अपोजिट साइड पर सेक्टर 2 है जहाँ पर 5 मरला के प्लाट्स होंगे, और इस साइड पर जो प्लाट्स हैं सारे ये मेन रोड के साथ जो प्लॉट्स हैं ये कमर्शियल प्लॉट्स होंगे कुछ, फिर आपको ये हाई ट्रांसमिशन लाइन जो नज़र आ रही है इसके ऑपोजिट साइड पे फिर कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और बैक पे जाके कुछ आपको शायद कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नज़र आ रही हो, वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो सब के सब प्लॉट 10 मरला और 1 नाल के प्लॉट्स हैं, और यही रोड आगे लीड करता है ईस्टर्न बाईपास से। अभी इसके एक्सेस पर कोई काम नहीं हुआ और ना फ्यूचर में शायद जाके हो, फॉर द टाइम बिंग ऑन ग्राउंड इस पर कोई काम नहीं हो रहा। इस साइड पे ओवरहेड वाटर टैंक बन रहा है। बेसिकली जो इस ब्लॉक के रहायशियों की डिमांड होगी सबसे ज़्यादा, जो नीड होगी, बल्कि डिमांड नहीं होगी, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड होगी वो होगी पानी की फरहमी। हर ब्लॉक में, हर घर में, हर स्ट्रीट पे, हर घर में जो पानी की फरहमी है वो ज़रूरी होगी, तभी रहायशियाँ पॉसिबल हो सकती है। सीवरेज काम हर ब्लॉक में तकरीबन हो गया है, जितने सेक्टर में ब्लॉक्स रेडी हुए हैं, स्ट्रीट्स रेडी हुई हैं, उन स्ट्रीट्स पे काम हो गया है, और अभी वाटर टैंक पे काम हो रहा है जो मोस्ट प्रॉब्ली अगले 3-4 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये लाहौर स्मार्ट सिटी को लॉन्च किया गया था इन फरवरी लास्ट ईयर, लॉन्च किया गया था प्री लॉन्च डेट्स पे, फरवरी में NOC आया था और मई में यहाँ पर मशीनरी मूव हुई थी। ये जो जितनी डेवलपमेंट आप साइट पे सीरीज में देखेंगे सारी, ये सारी की सारी डेवलपमेंट जो है ये विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 8 to 9 months ये डेवलप हुई है, बल्कि 8 months ही कह लें, क्योंकि अभी January 2022 है और January 2022 का मेट आया है, तो आप इंपॉर्टेंटली जो अंदाज़ा लगा लें टाइम का, तकरीबन 7 से 8 महीने के दौरान इस साइट पे ये डेवलपमेंट हुई है, और इस वक्त डेवलपमेंट साइट पे इंतहाई शानदार पेस से जारी है। यानी कि आपको सामने ये जो बजरी के टीले नज़र आ रहे हैं, ये सेक्टर 2 की जो स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान है, जो कारपेटिंग करनी है उसके लिए यहाँ पे लगाए गए हैं, तो साइट की डेवलपमेंट इंतहाई हैरानकुन है। जिन मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है डेफिनेटली उनके अपनी इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी अच्छे गेंस मिलने के चांसेस हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर दर्ज है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिज़वान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।